एक्टर कहें या किसी भी इंसान की, जो एक क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगती है कि वो कितनी कोशिश करता है, कितनी कोशिश करता है अपने आप को चैलेंज करने की, कितनी कोशिश करता है अपने कंफर्ट जोन से निकलने की, कितनी कोशिश करता है वो खुद को बेहतर बनाने की। और इस मामले में जिनके साथ मैं इस वक्त बैठी हूँ, ये जब आई थी ना इंडस्ट्री में, तभी से जी बड़ा इम्प्रेस किया इन्होंने और करती आई हैं। यू नो, एज एन एक्टर आपकी एक कोशिश के, बस कोशिश करते रहो कुछ नया करने की। इसी के साथ मेरे साथ है गंगूबाई आलिया भट्ट। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी जैसी रानी। बातें करते हैं चलिए गंगूबाई काठियावाड़ी की। नॉर्मली ना एक बड़ा सिंपल सा सवाल हो जाता है हम आर्टिस्ट या जर्नलिस्ट के लिए कि ये बताइए आपका रियल कैरेक्टर और रील कैरेक्टर्स में क्या सिमिलैरिटी, क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ सवाल नहीं पूछूंगी, मैं आपको जवाब दूंगी। अच्छा, यस। जवाब ये है कि ये दोनों ही फाइटर्स हैं। गंगूबाई भी हैं और ये भी हैं। ये कैसे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे माहौल इनके बनते हैं इनके आसपास जहाँ लोग बस ये देखने में बैठे रहते हैं कि एक गलती हो जाए आलिया से। हाँ, बस एक गलती हो जाए। यू नो, देयर आर पीपल जो चाहते हैं कि ये ऊपर ना जाके नीचे जाए। द सो मेनी थिंग्स। लेकिन ये लड़ी है और लड़ती रहेंगी। आई लव दिस स्पिरिट यार, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। सो नाउ कमिंग, बहुत तारीफ हो गई और ये दिल से है बाय द वे। सो कमिंग बैक टू द कैरेक्टर, क्या लगता है कितना रिलेट करती हैं आप इनसे? जैसे कि आपने कहा कि मैं इनके शायद स्पिरिट से ज़्यादा रिलेट करती हूँ, या रादर देन द सिचुएशन। ऑब्वियसली सिचुएशन का मुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि किस माहौल में ये उन्होंने सर्वाइव किया, कैसे वो, लाइक शी लिटरली हैड टू राइज फ्रॉम द एशेस। इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी, एक बचपना है उसमें, पर एक क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड सोल मैच्योरिटी, इवॉल्वनेस भी है एट अ वेरी यंग एज। और ये एक फैक्चुअल बात है कि गंगूबाई एट द एज ऑफ 27 ईयर्स ओल्ड वो घरवाली बन गई। घरवाली का मतलब हु टेक्स केयर ऑफ द कोठा, हु हैंडल्स द कोठा। और फिर वो इलेक्शन में पड़ जाती है फॉर द प्रेजिडेंट ऑफ कमाटीपुरा। ये सब एट अ वेरी यंग एज हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि वो इतनी इवॉल्व थी। तो आई रिलेट विद दैट, क्योंकि बहुत पीपल मैनी टाइम से कि आप इतने यंग एज में इतना कुछ हो गया, इतने यंग एज में। ऑल्दो आई डोंट थिंक एज इज, मेरे लिए एज इज जस्ट अ नंबर, बट या यू कैन से आई रिलेट टू दैट। एंड एक चीज़ जो है, जो मैंने लाइक आई लिव्ड वाइकेरियसली थ्रू गंगूबाई, वॉज हर हर एबिलिटी टू फील वल्नरेबल बट have like sort of like a venom and power that she displays. तो actually वो अंदर vulnerable है। आँखें if you see are soft, तेज तेज कहते हैं शायद उसे, कि वो एक चेहरे पर तेज है, उस तेज है ना। and she dialogues कुछ और बोल रहे, पर आँखों में she's almost like painful. Lovely. अच्छा, इस कैरेक्टर की अगर बात करें, पहले तो एज एन एक्टर कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए, आपको मौका मिला, यू आर लकी, कि जिसने बहुत सारे इमोशंस यू नो फील किए, एक जर्नी फील की। वो खुश भी हुई, वो कैरेक्टर खुश भी हुआ, वो गुस्से में भी आया, उसे दर्द भी हुआ। इस कैरेक्टर की अगर बात करें तो दैट वन इमोशन जो सबसे स्ट्रॉन्ग था, वॉज इट रेज, वॉज इट हेल्पलेसनेस, वॉज इट वो पेन, कैसा क्यों होता है? एक इमोशन एज एन एक्टर जो आपने कैरेक्टर का फील किया और सबसे स्ट्रॉन्ग रहा। आई थिंक इट वॉज द एंगस्ट। रेज मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो नॉट ऑलवेज एंग्री, वो एंगस्टी है। तो शी इज नॉट वो एक्सेप्टेंट, वो शी इज नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ द वे दे आर बीइंग ट्रीटेड। उसको समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, और वो दिखाएगी नहीं कभी। वो टेढ़े रास्ते से आपको अपने जगह पे लाके, शी विल मेक यू फील योर प्लेस, एंड दैट्स व्हाई द एंग्स्ट इज आल्सो स्टाइलिश। वो दुखियारी कहानी नहीं है। इट्स नॉट दैट फिल्म वेयर इट्स लाइक ओ इसको ये सिचुएशन में अभी उसका क्या होगा। नहीं, शी रिस्पॉन्ड्स टू एवरी सिचुएशन लाइक अ बॉस। उसका एक रिस्पॉन्स है विच इज़ लाइक वेरी, यू ऑलमोस्ट वॉन्ट टू हियर हर स्पीक कि अभी क्या बोलने वाली, बिकॉज इट्स लाइक यू डोंट नो व्हाट्स एक्सपेक्टेड, एंड वो दैट ओनली कम्स विद एन इनहेरेंट angst of the situation that you are in. Yeah. और इस character को बोलने में बहुत मजा आता है। हाँ. She loves talking, नहीं? Yeah, she loves talking. Like you. Yeah, she loves talking. I actually don't like talking. There's a misconception that I like talking. I hate talking. Really? मैं shock में आ रही हूँ। Really? Yeah. I always believed you love talking. No? No, you ask the people who are like spend all day with me. it's very difficult. I go somewhere else and I go somewhere else and I like to stay quiet, which is why I have to have people around me who are not talkative. Actually, वो actor को ज़रूरी भी होता है to get into the skin of the character. Okay, coming back to संजय लीला भंसाली साहब. संजय लीला भंसाली साहब एज अ डायरेक्टर, जितना मैं थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, वो ना आप अभी कह रही थी कि वो मैजिक, मतलब मैजिक ढूंढते हैं हर फ्रेम हर सीन में, बट आई थिंक ही इज़ वेरी पोएटिक. जी, ही इज़ वेरी पोएटिक. नॉट मतलब एक तो म्यूज़िकल बहुत हैं, ही थिंक्स म्यूज़िक, मतलब वो, और वो उनकी जान रहती ही है. बट ही इज़ वेरी पोएटिक कि उनका हर फ्रेम ना एक कहानी की, एक कविता की तरह आगे बढ़ता है. क्या वो मुझे इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल. या आई थिंक इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज बहुत नया सब्जेक्ट है उनके लिए, पर उनका लैंग्वेज उनकी फिल्मों में इट्स ऑलवेज कम अक्रॉस इन अ पोएटिक वे. हर सीक्वेंस उनका पोएट्री है, हर डायलॉग, इवन अ लुक ऑफ अ कैरेक्टर विच इज़ मे बी नॉट गंगूबाई, आपको उसमें भी पोएट्री नजर आएगी. द रीज़न, आई मीन देयर आर कपल ऑफ सीन्स आई रिमेंबर व्हेन, जब हम शूट कर रहे थे और सर ने वो एक सजेशन दिया उस सीन को लेकर कि इसको ऐसे शूट करेंगे. माई माइंड वॉज ब्लोन के ऐसे कैसे, मतलब किसके इनके दिमाग में कैसे आ सकता है ये. अगर आप ढोलीडा को ही ले लो, उनको वो चाहते थे कि ढोलीडा के एंड में गंगूबाई एक ट्रांस में चली जाए, दैट शी इज़ डांसिंग एंड एवरीबडी इज़ जस्ट लुकिंग एट हर डांस कि उसको अभी कुछ हो गया है. ही वॉन्टेड दैट सॉर्ट ऑफ वो जो एक के देवी जी, आती जी, है, देवी आती जी, है. बिल्कुल देवी. एब्सोल्युटली आई एम लुकिंग फॉर द वर्ड. माता नहीं, वो देवी उसके अंदर एक देवी आती है एंड वो उसके शब्द भी उस तरह है इन दैट सेक्शन ऑफ द सॉन्ग. तो उनका ये सजेशन था कि हम लोग रंग ले और वो रंग को कुछ, शी स्टार्ट्स थ्रोइंग इट इन द एयर. व्हेन आई हर्ड दैट विजुअल थॉट ओनली आई वाज लाइक ओ माय गॉड. और जब मैंने, ही डजंट लाइक टू सी मी रिहर्स टू मच, तो मैंने जब डांसर को देखते हुए किया था, आई वाज लाइक ओके दिस इज सीमिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग. और जब मैंने एक्चुअली शॉट में किया, वो नेचुरली मेरे अंदर वो एक पावर जनरेट हो रहा था. और उसने कहा भी था मुझे, कृति या कोरियोग्राफर, शी टोल्ड मी ऑल्सो कि यू विल नेचुरली फील इट जब आप उसको उठाओगे, आपको जस्ट थ्रो इट विद लॉट्स ऑफ एनर्जी. तो वो कि यार हो गया नेचुरली. अच्छा, आप प्रोड्यूसर बन चुके हैं, एक्टर तो आप हैं, और मुझे कहीं ना कहीं जिस तरह से आप है, मैं एंटिसिपेट करूँ कि आप आगे फ्यूचर में डायरेक्टर भी बनेंगी. तो ये तीनों एक साथ. नाउ टेल मी व्हिच इज योर फेवरेट कलर व्हिच यू वांट टू यूज इन योर मूवी? How interesting. Yellow. Why? Sunshine. My production house is also called Eternal Sunshine Productions. See, I believe, and ये मेरी थोड़ा सा एक morbid बात बोल रही हूँ, पर life has a lot of struggle. आप जहाँ से भी हो, जो भी situation में हो, whether you're rich, poor, middle class, it doesn't matter. Whether you are tall, fat, thin, small, it doesn't matter. Struggle सबकी life में होता है. इन डिफरेंट वेज यू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल. किसी का कुछ टाइम पे ज़्यादा होता है, कुछ टाइम पे कम, पर इट कम्स एंड गोज. और वो उस स्ट्रगल में बेसिकली वॉट आर वी ट्राइंग टू डू इज फाइंड द सनशाइन. वी आर ट्राइंग टू फाइंड द जॉय एंड द पीस एंड द सनशाइन. तो इसलिए मेरा ये मानना है, दैट्स वाई आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू बी लाइट एज अ पर्सन टू माई सेल्फ एंड टू अदर पीपल, क्योंकि आई फील कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इशू तो होता ही रहता है. नोबडी कम्स एवरी डे वेरी हैप्पी. You have to find the happiness. You have to find the joy. I love your emotions. You know, वो पूरा चेहरे पर, वो पूरा expression के साथ आता है. Okay, इसी सवाल से मुझे एक और सवाल आ रहा है, which I really want to know. So when you grow in life as a person and especially as an actor, अब actor का एक profession है ऐसा, किसी भी art का मैं कहूँगी, मैं actors की अगर बात करूँ, तो हमारी ज़िंदगी की जो सोच होती है ना, वो हमारे प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती. कहीं ना कहीं वो ओवरलैप करती है कि जो मैं एज एन एक्टर सोचती हूँ वही मैंने अपनी लाइफ में भी अडैप्ट कर रखा है, या मैं जो एज अ पर्सन बनती जा रही हूँ वही कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस में भी नज़र आ रहा है. व्हाट इज़ योर फिलॉसफी एज एन एक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग? क्या लाइफ को कैसे जीने का? देखिए, एज एन एक्टर माई फिलॉसफी इज़ नॉट टू डू एनीथिंग मेथड and not make it too much about myself कि ये मेरे बारे में नहीं है, ये team effort है. Okay? और hard work is very important. तो similarly in personal life सब मेरे बारे में नहीं है and you have to work hard even on your relationships. और that's what my motto in life is कि whatever it is, गलती सबसे होती है, किसी ना किसी दिन आपका फिल्म हिट होगा, किसी ना किसी दिन आपका फिल्म फ्लॉप होगा, बट यू पुट इन द हार्ड वर्क. सिमिलरली कभी आपके रिलेशनशिप्स डिसअपॉइंट करेंगे, कभी आप आपके रिलेशनशिप्स को डिसअपॉइंट करोगे, बट ऑलवेज ट्राई एंड पुट योर हार्ड वर्क. ईगो नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में. तो मेरे एक्टिंग में ईगो नहीं है विद द पीपल दैट आई वर्क विद. मेरी रिलेशनशिप्स में आई ट्राई, मेरे बिल्कुल ईगो नहीं है. मतलब मैंने जहाँ से शुरू किया तो वहीं आया कि बस अपनी कोशिश करो, अपना 100% डालो, बाकी तो जी लाइफ है वो चलती रहेगी. और वो अपने बारे में अगर जितना कम बनाओगे हाँ उतनी खुशी आपको ज़्यादा होगी, क्योंकि सिंगुलर में तो वैसे भी हमको आना, हम आते मतलब जाते तो सिंगुलर ही है. इस और हम लोग साथ में चले जाते साथ में बचते वो तो होता नहीं है. तो आते सिंगुलर है, जाते सिंगुलर है, तो ट्राई एंड मेक इट एज नॉट सिंगुलर इन दैट लाइफ एक्सपीरियंस. एक चीज़ जो मैंने इनके बारे में समझी है ना, चालाक एक्टर है, चालाक है और ग्रीडी है. इज इट चालाक? ये कॉम्प्लीमेंट है. चालाक एक्टर कैसे होते हैं जिन्हें ना या इमोशंस का ही खेल है ये पूरा परफॉर्मेंस, लेकिन इसमें आप अपना दिमाग कितना लगा रहे हैं. जैसे ये वैसी फिल्मों में भी आपको टाइम टू टाइम नज़र आएंगी जिनके बारे में पता है कि ये तो हिट हो ही जाएगी. ये वैसी फिल्मों में भी नज़र आएंगी जिसमें उनके एक्टर की जो अंदर के एक्टर की जो भूख है ना, जैसे जैसे इस फिल्म में वो वाली भूख हर फीमेल एक्टर की होती है कि वो माफिया क्वीन बने और ऐसे करके नमस्कार करे. तो वो सारे वो जो टिक मार्क्स हैं, तो ये उस मामले में चालाक है एंड ग्रीडी. अच्छी बात है, एक एक्टर अगर ग्रीडी है तो वो कुछ ना नया ट्राई करता रहेगा. एब्सोल्युटली. आई वाज इन ग्रीडी नहीं कहूँगी, हंग्री कहूँगी. हंग्री, या राइट, हंग्री. सो वो है, एंड ये क्वालिटीज़ बनी रहें आप में और आप इसी तरह तरक्की करती रहें. संजय जी की अगर बात करें तो इनकी फिल्मों में भले ही आपको मेल लीड फीमेल लीड नजर आए, लेकिन एक तो पहला कॉम्प्लीमेंट कि फेमिनिस्ट नहीं हूँ मैं, बट मुझे अच्छा लगता है कि वो फिल्में मिले बने और ज़्यादा से ज़्यादा बने जिसमें सिर्फ फीमेल लीड ना हो बल्कि लीड ही फीमेल हो. सो या तो संजय जी की एक चीज़ बहुत अच्छी कि इनकी फिल्मों में जो फीमेल है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा, और बहुत खूबसूरत भी. यू नो एज आई सेड, पहले मैंने कहा था कि वो पोएटिक हैं, तो उनका वो जो विजन है ना अपनी फीमेल्स को लेकर वो भी बड़ा खूबसूरत है. तो इस लुक की अगर बात करें जो मुझे दिखाई दे रही है, ये गंगूबाई काठियावाड़ी, वाइट साड़ी, गोल बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ हैं, पर्स पकड़ने का भी एक स्टाइल है. सो संजय जी का एक विजन होगा, एक ऑफ कोर्स कैरेक्टर का रेफरेंस पहले से मिला होगा. कोई आपका इनपुट था संजय जी? थोड़ा सा ये भी कर देते हैं. नहीं नो, दिस इज सर मास्टर है इस विजन और वर्ल्ड को लेकर. हालांकि ही वुड ऑलवेज गिव मी ऑप्शन, व्हाट डू यू वांट टू वेयर विद ज्वेलरी, बेचे बट करते रहते थे. आई वाज चूजिंग माय ओन ज्वेलरी एंड आई वाज लाइक सर ये वन, एंड ही वुड कम एंड गिव हेल्प बिकॉज ही वांट्स एक्टर टू बी कंफर्टेबल बिफोर कमिंग ऑन टू सेट दैट आई शुड बी लुकिंग गुड एंड आई विल फील गुड एंड दैट्स हाउ आई परफॉर्म वेल. वॉन्ट यू टू बी लाइट एंड हैप्पी. तो कुछ सजेशंस तो बिल्कुल नहीं दिए मैंने. ही इज लाइक आई सेड, उनको सब पता है एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, एंड ये विजन तो उनके दिमाग में था कि एक वाइट साड़ी में आएगी, बड़ा बिंदी होगा, और एक कॉम्बिनेशन अगर आप देखो कि ज्वेलरी भी सिल्वर और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है. देम वेयरिंग ओनली सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड का कॉम्बिनेशन. उसका एक गोल्डन दांत भी था गंगूबाई का. ओके, लवली. तो बहुत मेहनत करके, दिल से, पैशन के साथ, और फाइनली लंबे इंतजार के बाद जी अब ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है, जाइए अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में. सो भाई खुशी के साथ आप भी कह दीजिए कि प्लीज़ जाके देखिए. 25 फरवरी से गंगूबाई थिएटर में रिलीज़ हो रही है, थिएटर में ही देखिए. 92